ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इंटीग्रेशन का हम नया आगे का पार्ट लेकर आए हुए हैं। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ होगा वही इस चैप्टर को समझ पाएगा, इसलिए आप डिफरेंशिएशन पढ़ के ही आप इसको समझिए, ठीक है। चूँकि सेकेंड सेमेस्टर में ही है और आपका एग्ज़ाम है, नज़दीक है, इसलिए मैं जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको समझिए, वही ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ लाएंगे, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है वो आपके एग्जाम्पल में दिया हो, या आपके एक्सरसाइज में दिया हो, या आपके सॉल्व पेपर में दिया हो, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन मैंने पेपर सेट नेट से निकाला है जो पिछले साल में पूछा गया है, उन पेपरों से क्वेश्चन हम लिख करके उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन से रिलेटेड है उसको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। ऑल फार्मूला विच इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेशन हैव बीन गिवन बिफोर यू रिस्पेक्टिवली, क्रम से जो है सारे फार्मूले को दिया गया है जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, हमें आशा है कि आप साफ समझ जाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये आप पहले पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन से आपसे कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा भूमिका बन जाएगा कि आखिर ये सब फार्मूले आए कहाँ से हैं, इनका मतलब क्या है, इसलिए मैं एक फार्मूले को थोड़ा समझाने का कोशिश करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू द फर्स्ट फार्मूला एक्स टू द पावर डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पे अटेंशन हियर। यू नो अबाउट द फार्मूला डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। यू नो वेरी इजिली व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यू नो वेर एन नॉट इज इक्वल टू जीरो। एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स पर एन माइनस वन। जैसे मान लीजिए हमें डी डी एक्स एक्स टू द पावर फोर फाइंड आउट करना है, जो पावर है वो पहले लिख दिया जाएगा, इसी पावर में से एक को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। उसी फार्मूले से हम क्या कर रहे हैं, हम डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन का हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है, या डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, इस पहले फार्मूले को आपको मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ कि फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन राइट हियर दैट एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। इतना तो आप आसानी से लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर एन, ठीक है। ये हो सकता है जो पावर उसमें से एक माइनस करना है। अब मैं कल के दिन आपको मैं क्या बताया था कि जो ये डी डी एक्स है जब ये इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो यही डी डी एक्स इंटीग्रल बन जाता है, इंटीग्रल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब ये डी डी एक्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है। और जब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के पास में होता है तो होता क्या है, एक मिनट, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था तार के वजह से। तो यहाँ हम चल रहे थे, यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स के पावर एन ये अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, इजीली बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है। इसको आप इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी। तो देखिए, इसी तरह से जो डिफरेंशिएशन है उसी डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब डिफरेंशिएशन आपका अच्छे तरीके से तैयार होगा तभी जा कर के इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना होगा, ठीक है। तो आप कहीं पढ़े होंगे कि डी डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, इसको सब इधर ट्रांसफ़र करेंगे ना तो सब जो है डिफरेंशिएशन बन जाएगा,
ठीक है। और डिफरेंशिएशन को इक्वल को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो यह तो बहुत आसानी से समझ में आ गया आपका, ठीक है। इन सारे फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर डी एक्स केवल है तो इसका एक्स ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डी वाई है तो वाई भी होता है। इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन में इस तरह का बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी यहाँ फंक्शन होगा वही यहाँ पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, कहाँ से होता है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। इस एक को एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। देखिए आप सभी लोग एक को एक्स टू द पावर जीरो क्यों लिखते हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक्स टू द पावर जीरो का मतलब होता है, लिख सकते हैं एक्स के पावर एम माइनस एम या चाहे एन माइनस वन जो भी है, तो ये क्या होगा, एक्स के पावर एम होगा इंटू एक्स के पावर माइनस एम होगा, होगा ना। फिर एक्स टू द पावर एम इंटू वन अपन एक्स के पावर एम हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, जीरो एक हो गया। तो किसी भी पावर जीरो हो उसका मान एक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अब बाय यूजिंग फार्मूला। अब पहला फार्मूला यूज करिए, देखिए क्या आ रहा है, जो ऊपर वही नीचे, ठीक, प्लस सी, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर वन अपन वन प्लस सी, यानी क्या आया, एक्स आ गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि dx अगर है तो हमेशा इसका मान वही आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इसका यूज क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं ऐसे आ गया 4dx आ गया, ठीक है, तो अंदर जब कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसका क्या हो गया, ये 4x हो गया। इसी को के फॉर्म में यहाँ पे समझाया गया है, ये जो आपका आगे वाला फार्मूला है ये, ठीक। यहाँ देखिए e के पावर x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, केवल e के पावर x ही होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ e के पावर 4x dx है तो क्या होगा, एक शॉर्ट फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे इसको हम बताएंगे, जब हम बताएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तब यहाँ पे बताएंगे कैसे ऐसा होता है। यहाँ पे सीधे आप लिखिए जो है उसको ऐसे लिख दीजिए, और फिर x का जो भी कोफिशियंट है, जो भी गुणांक है, उसको नीचे उतार दीजिए, बस सेम ऐसे फार्मूला का इक्वेशन आपको सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो और भी देखते हैं, फिर ए के पावर एक्स का मतलब मान लीजिए 5 के पावर, ये आपका क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। ए इज नथिंग सिंपली ए कांस्टेंट क्वांटिटी, जस्ट लाइक 5, 4, 9, 10, यू कैन एवरीथिंग, ठीक है, से एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे है सेम उसे उतार देना है, और फिर लॉग के साथ ए लिख देना है, लॉग के साथ ए लिख देना है, तो ए के जहाँ पर क्या है 5 हो जाएगा प्लस, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक। फिर यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ऐसे कि स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। ये जैसे डिफरेंशिएशन में होता है सेम ऐसे ही इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। देखिए याद करने का तरीका हम बता देते हैं, अगर आउटपुट में सी है, ठीक है, आउटपुट में अगर सी है तो हमेशा वहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए आउटपुट में सी है तो माइनस लगाएंगे, ठीक। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर दे दिया तो जो सबसे पहले पड़ता है वही आंसर हो जाता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स दे दिया, जो पहले आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर कोसे स्क्वायर एक्स का कॉट ही होगा, कोसे का संबंध काट से याद कर लीजिए, और सेक का संबंध टेन से याद कर लीजिए, बाकी साइन का कास कास का साइन होता ही है, ठीक। इस तरह से आप फार्मूला याद कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन इनवर्स एक्स होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स होता है। थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए, अगर एक्स यहाँ पे कॉस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स आ गया ना। फिर कॉस स्क्वायर एक्स
स्क्वायर और शॉर्ट ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर और कर्ण तो का साइन एक्स ही तो आएगा। यहाँ टेन मान के ही इसको लगाया गया। आगे चल के सारी फार्मूले का डेरिवेशन पता चल जाएगा आपको, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए कोई दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, दो फंक्शन में इस तरह से मान लीजिए आपको दिया गया है, चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो, जो भी हो, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यू कैन राइट हियर दैट x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, क्या x के पावर n dx इज इक्वल टू इतना होता ही है। तो पुटिंग दिस बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन राइट हियर दैट इजीली x टू द पावर x टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है। प्लस फोर बाहर आ जाएगा, x पे वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ठीक। x पे थ्री अपॉन थ्री प्लस फोर, x पे टू अपॉन टू, ये टू से टू बार में कट जाएगा प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टू बार में कटेगा तो इसको आप टू लिख दीजिएगा, x क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो सब क्या हो जाता, ये सब माइनस हो जाता, ठीक। जब माइनस होता तो बीच में सब माइनस हो जाता, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे दिया गया है। तो हमको जहाँ तक मालूम है ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगा, हम कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, अगला जो है नेक्स्ट जो आएगा पार्ट उसमें क्या होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, ठीक है।